ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ आपको बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है गाइस वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आप लोगों के लिए मैं गाइस एक चीज कहना चाहता हूं कि गाइस मतलब ये जो वीडियो है ना गाइस आप लोगों को अगर ऐसी सेम फोटो एडिट करना है तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है बिल्कुल कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिससे गाइस आप जब एडिटिंग करने जाओगे तो आपको गाइस मतलब कि कोई भी हार्ड वर्क नहीं लगेगा इसमें, कि मतलब कि फोटो यार काफी हार्ड होगी एडिट करने में। बट गाइस मैं आप सभी को बता रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लो, देन आप एडिट करने जाओगे तो गाइस आप लोगों को जो है ये फोटो एडिटिंग बहुत ही ईजी लगेगी, इस चीज की गाइस मैं गारंटी दे सकता हूँ आप सभी को। बस गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो गाइस आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे को इजीली मतलब वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो गाइस, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बाकी गाइस आप लोग आना वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, एंड अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। तो उसके बाद गाइस आपको करना है जब आप इस फोटो को ओपन करोगे तो गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड करना है। मॉडल का जो मतलब बैकग्राउंड है मैंने पहले सीरीज का रखा है, जिसको रिलीज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वो भाई जाके वीडियो को देख लेना। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बस देखिए जहाँ पे जब आप अपने मॉडल को ऐड करोगे तो आपको इरेजर टूल में जाना, फिर इरेजर टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे इरेजर का हार्डनेस फुल कर देना है, एंड फोटो को जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद जो आपको नीचे से इरेज करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इरेज करना है। एंड आप मतलब कि ऐसे एक फील आएगा कि मतलब जो आपका जो मॉडल है वो मतलब कि इसने जो रिवर में खड़ा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो यहाँ पे ऐसे लगा देना है, एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर यहाँ पे करना है, आपको यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे सिंपली डन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर ये करना है, आपको जाना है ऐसे कैसे ऐड फोटो में दोबारा से, एंड ऐसे जो है हार्ड कॉपी इंजी ऐड करना है, ठीक है। तो इसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जो इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो पहले तो मैं क्या करेंगे कि जिसको जो है ना हम पहले थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, ताकि जो मतलब कि इसको लगाने में ना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ से, मतलब कितना क्रॉप करके, एंड इसको हम डन कर लेते हैं। एंड इसके बाद आपको ये करना है, आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड का इसको लेना है, एंड हार्ट को लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप से अपने हैंड के पास ले जाना है, एंड ओपेसिटी करके कम करके चेक कर लेना, मतलब क्या रही है, मतलब ये परफेक्ट तरीके से हम लगाई कि नहीं लगा। तो आप इरेजर टूल में हार्डनेस कम कर लेंगे, ओपेसिटी। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद जो है यहाँ से हम थोड़ा सा मतलब कि इसको इरेजर में जाके, एंड यहाँ पर इरेजर लेके हार्डनेस फुल करके, एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग रख के, एंड यहाँ पर फोटो को जूम करेंगे, एंड जो यहाँ पर मतलब फिंगर्स वगैरह हम यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोगों को भी कुछ इस टाइप से करना है, एंड यहाँ पे जब इतना काम हो जाएगा आपको तो फिर उसके बाद क्या करना है, जो मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो इरेज हो जाए तो उसको भी फिल कर लेना आप अपने हिसाब से, तब हम इसको कर लेते हैं। एंड गाइस ये जो काम है ना आप एकदम आराम आराम से अच्छे तरीके से टाइम देके करना, ताकि मतलब कि एकदम फोटो जो है ना अच्छे तरीके से एडिट हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, एंड इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली अपनी फोटो को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब मतलब इतना काम हो जाएगा तो यहाँ पे आपको उसको डन कर लेना है। तो ओपेसिटी फुल करना मत भूलना यार, ठीक है। तो ओपेसिटी यहाँ पे फुल कर लेना, मेरे से एक बार गलती हो चुकी है इसमें यार, तो मैंने यार मतलब दोबारा एडिट किया था फोटो को, तो आपको भी ऐसे मतलब गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से एक विकनेट का पीएनजी ऐड करना है, एंड इसको ऐड करने के बाद जो आप यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे फुल स्क्रीन करके आपको फोटो में ऐड कर देना है, एंड उसके बाद आपको सिंपली एंड डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको कर देना है डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि गाइस असली काम जो है हमारा रिटच जो कि हमें करना है लाइटरूम ऐप में, तो अब इसको हम सेव कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो अब इसको लेके चलेंगे हम यहाँ से लाइटरूम ऐप में। सो लाइटरूम ऐप में हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो हम ऐसे डायरेक्ट चलेंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में जो कि साइड में आपको दिख रहा होगा। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है जिसको यहाँ पे सिंपली कम करना है, हाईलाइट जो है इसको यहाँ पे बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जो शेडो है इसको इंक्रीज कर देना है हल्का सा अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपको जो व्हाइट है जिसको यहाँ पे आपको जो है इसको भी हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है। तो एंड उसके बाद जो ब्लैक है इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ पे नीचे कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, वाइब्रेशन बढ़ा देने के बाद आपको टेम्परेचर थोड़ा माइनस कर देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर लेना है, इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है, एंड उसके बाद लेना आपको यहाँ पे डार्क ब्लू, आपको उसका जो ह्यू है माइनस कर देना है, एंड उसका सैचुरेशन आपको प्लस कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो है मतलब ग्रीन कलर्स का हम सैचुरेशन माइनस कर लेते हैं, एंड जो रेड कलर्स का ह्यू भी छोड़ लेते हैं थोड़ा सा, तो उसको माइनस करेंगे, एंड सैचुरेशन प्लस, एंड उसके बाद कर देंगे यहाँ पे हम डन, ठीक है गाइस। तो इतना हो जाने के बाद आपको ये करना है, आपको कलर के नीचे वाले टूल में जाना, फिर
नीचे लेटर में जाने के बाद जो यहाँ पर यहाँ पे क्लियरिटी इंक्रीज करनी है फोटो की, एंड फोटो में विग्नेट डालना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आपको वहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ाना है, एंड उसके बाद जाना है आपको वहाँ पे नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको वहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोटिफिकेशन वगैरह आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।